कैसी लगी है मेहंदी? बहुत थोड़ी थोड़ी सी लगवाई है, पीछे बस ये फ्लावर बनवाए हैं दोनों पे। करवा चौथ का त्योहार है तो जो है कि बनती है माना खाना वाना बना लिया उनकी भैया खाना बाल दिया जाने लगे कि तो मारिए सात थाली जाने वो तो आज राजा के लड़के का बनती है उसकी शादी होगी भैया। हमने सब ने मिल के कहानी गई, ये आंटी हैं इन्होंने कहानी कही, हम सब ने सुनी इन्हीं के घर पे बैठ के, मेरे घर के बराबर में ही इनका घर है, तो बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। आज जो है कुल्लो में दूध लेगा तुझे मैं चावल लेगा बता सब नाई करती गुड़िया कर रहा है नुकम गुड़िया माई मेरी चीज आन दे नुका दे बेटा पाई मैं रन दू मुझे जो तेरे घर में सबसे बड़ा बर्तन है उसे रख दे आज ये दूध है ये चावल उसमें दे दे। ये हम सबकी मेहंदी है, एक छोटी सी क्लिप बना ली थी, भगवान करे सबके हाथों में हमेशा ऐसे ही मेहंदी लगती रहे। ये है मेरे करवा चौथ का लुक, कौन सी मैंने साड़ी पहन सकती है देखो आप। साड़ी कैसी लगी जरूर बताना, अगर पसंद आई है तो। त्योहार के साथ साथ काम तो करना पड़ता है ना, तो
धीरे धीरे काम भी संगवा रही हूँ, खाने की तैयारी शुरू हो गई है। और ये सुबह सूट पहन रखा था येलो कलर का, तो वो जब चेंज करके साड़ी पहननी थी तो अभी वो तय बना कर रख दिया है, क्योंकि गंदा तो हुआ नहीं है, थोड़ी देर के लिए ही पहनना था। चलिए बस अब शाम की पूजा वूजा करेंगे। अभी मैं बना रही हूँ पूरी, सब्जी बन गई है, हलवा बन गया, खीर भी बन गई है और दूध गर्म हो रहा है। इधर मैंने तेल चढ़ा दिया, तुम लोहिया तोड़ रही हूँ, पूरी बना लेते हैं पहले, उसके बाद पूजा करेंगे। और किसी के यहाँ पे कच्चा बनता है, किसी के यहाँ पे पक्का बनता है, कई लोगों के यहाँ पे कढ़ी चावल बनते हैं और कई लोगों के यहाँ पे ऐसे खीर पूरी सब्जी बनती है, हमारे यहाँ पे पक्का ही बनता है। तो पहले मैं पूजने के लिए बनाऊंगी, उसके बाद अगर पायल को अभी खाना होगा तो अभी बना दूंगी, नहीं तो बाद में बना लूंगी। अब मेहंदी देखो कितनी डार्क हो गई है काम करते हुए। और पूजा करने का सबका अपना अपना ढंग होता है, कोई किस तरह करता है, कोई किसी तरह करता है। हमारे यहाँ इसी तरह खाना रख के, कपड़े वगैरह रख के मिनस देते हैं, जैसे मैंने अभी मिनसा है ये, और जो ये सूखा पूजा है मैंने थोड़ा सा, वो तो दीदी के यहाँ जाएगा। और खाना अपने से बड़ों को आप किसी को भी दे सकते हैं, अगर कोई खा सकता है तो उसे दे दे बड़ों को, और नहीं तो आप गाय को भी दे सकते हैं। तो मैं ऐसे ही देने जा रही हूँ, मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने बोला कि हम खा लेंगे, तो मैं उन्हीं को ये देने जा रही हूँ। देखो ये साड़ी पूजी है दीदी की, मैंने बहुत सुंदर साड़ी है, हल्का सा जयपुरी प्रिंट है, रेड और येलो कलर की है। इसी में उनके नाप की चूड़ी रख दी है, ये गोल्डन वाली चूड़ी भी ली है और ये वैसे वाले कड़े हैं, और इसी में उनका जो दीदी यूज करती है बस वही सामान रखा है मैंने, मेकअप का ज़्यादा नहीं रखा है। इसी में उनके पैसे डाल दिए, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होती है। देखो पूजा सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होती है,
किसी के यहाँ किस तरह किसी के यहाँ, तो इसलिए पूजा का तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन हाँ साड़ी देख सकते हैं आप। हापुड़ वाली दीदी को देती हूँ मैं ये पूजा करके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का। भगवान करे आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हों। पसंद आई है तो लाइक करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।